दोस्तों अगर आप भी संजू सैमसन को खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों बीसीसीआई के चयनकर्ताओं ने संजू सैमसन को T20 विश्व कप में शामिल किया है और उनके इस सिलेक्शन पर करारा जवाब देते हुए इस धाकड़ विकेटकीपर बल्लेबाज ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तूफानी शतक जड़ दिया। जी हां, उनकी खौफनाक बल्लेबाजी का आलम यह रहा कि न्यूजीलैंड के सभी गेंदबाज ये नहीं समझ पा रहे थे कि संजू का विकेट लेकर अपनी पारी में 12 बेहद खतरनाक छक्के लगाकर संजू ने यह बता दिया कि चयनकर्ताओं का चयन कितना गलत था। और अपने इस वीडियो में हम संजू सैमसन के तूफानी शतक के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि T20 विश्व कप में संजू सैमसन को चुना जाना चाहिए था या फिर ऋषभ पंत को? नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। दोस्तों संजू सैमसन एक ऐसा बल्लेबाज हैं जो हमेशा से बीसीसीआई के चयनकर्ताओं के गलत फैसले का शिकार हुए। 7 साल पहले इस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू किया था, लेकिन अब तक उन्होंने केवल 16 T20 मुकाबले ही खेले हैं और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि संजू पर बीसीसीआई के चयनकर्ताओं ने कितनी नाइंसाफी की है। लेकिन अब थोड़ा बहुत मेहरबान होकर चयनकर्ताओं ने उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ इंडिया का कप्तान बनाया। जी हां, जहां भारत को वनडे मुकाबले खेलने से और खेले गए पहले एक दिवसीय मुकाबले में संजू ने चयनकर्ताओं के T20 विश्व कप में लिए गए फैसले को बुरी तरीके से गलत साबित किया। जी हां, मैदान में उतरते ही इस धाकड़ विकेटकीपर बल्लेबाज ने बल्ले से सनसनी मचा दी। संजू की खतरनाक बल्लेबाजी को देखकर यह साफ अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो चयनकर्ताओं पर कितने गुस्से में थे। आपको बता दें कि उन्होंने मैदान पर उतरते ही पहली ही गेंद पर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार छक्का लगाते हुए अपनी खतरनाक पारी का आगाज किया। जिस तरीके से संजू ने पहली गेंद पर छक्का लगाया था, सबको ये समझ में आ गया था कि खिलाड़ी किस मूड से बल्लेबाजी करने आया है। इसके बाद फिर क्या था, जो भी न्यूजीलैंड का गेंदबाज आता उसे संजू बाउंड्री की राह पकड़ा देते और देखते ही देखते वो अर्धशतक के करीब पहुंच गए और महज 21 गेंदों में संजू ने अर्धशतक लगा दिया। संजू शायद ये भूल चुके थे कि ये वनडे मुकाबला है, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर वो जरा भी तरस नहीं खाए और 21 गेंदों में अर्धशतक लगाने वाले संजू ने छक्के के साथ अपना 50 पूरा कर लिया और यहां तक उन्होंने कोई 4 बेहद खतरनाक छक्के भी लगाए। अभी तो ये संजू सैमसन की खौफनाक पारी की शुरुआत ही थी, अभी आगे उनका भयंकर तूफान आना बाकी था। आपको बता दें कि 50 रन बनाने के बाद संजू और भी ज्यादा खतरनाक हो गए और अगले कुछ ही ओवर में वो न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के साथ क्या करने वाले थे, इसका जरा भी अंदाजा किवी गेंदबाजों को नहीं था। आपको बता दें कि 3 चौके और 5 बेहद खतरनाक छक्के लगाकर संजू ने अपना दूसरा 50 भी पूरा कर लिया और जब ये विकेटकीपर बल्लेबाज 95 रनों पर बल्लेबाजी कर रहा था, तब उन्होंने ऐसा छक्का लगाया जो सीधे स्टेडियम के बाहर ही चला गया और उन्होंने अपने शतक को अंजाम दिया। और ऐसा करके उन्होंने बता दिया और आखिर लोग क्यों संजू को T20 में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि संजू ने 55 गेंदों की अपनी पारी में 5 चौके और 12 छक्के के साथ कुल 135 रन बनाए। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि अभी भी T20 वर्ल्ड कप की टीम में अपनी जगह बना सकते हैं या फिर नहीं, इस बात का जवाब हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।